धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर एक में स्थित टामरान फार्मास्यूटिकल दवाई कंपनी के गेट पर आज बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रमिक धरने पर बैठे, अपनी मांगे मनवाने के साथ ही कंपनी प्रबंधन पर कई आरोप भी लगाए। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है और ना ही PFE SIC का पैसा जमा किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी लगातार कंपनी में उत्पादन किया गया, बावजूद इसके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कंपनी के स्टाफ का व्यवहार भी महिलाओं श्रमिकों के प्रति आपत्तिजनक रहता है। वही कंपनी प्रबंधन को अगर शिकायत की जाती है तो नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। दवा कंपनी होने के बाद भी कोरोना संक्रमण से रोकथाम के कई उपाय परिसर में नहीं है, न मास्क न सैनिटाइजर की कोई उचित व्यवस्था है। कई बार श्रम अधिकारी को इस मामले में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज कंपनी प्रबंधन द्वारा गेट पर पहुँचने पर काम बंद होने का कहा गया। श्रम अधिकारी सक्सेना ने बताया कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, हमने अपने इंस्पेक्टर को कंपनी भेजा है। जानकारी मिली है कि श्रमिकों को नियत रेट से कम भुगतान किया जा रहा है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि श्रमिकों को 3 माह से वेतन न 18 महीने से ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया गया है। हम पूरा प्रकरण बनाकर हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। पीथमपुर से संजय सोंगरा की रिपोर्ट। पर खड़े क्यों खड़े गेट सर? हमको कल बताया भी नहीं था कि छुट्टी है और यहाँ पर आए तो ताला लगा हुआ, अंदर जाने नहीं दे रहे और हमारा 3 महीने की सैलरी नहीं हुआ है और हमारा PFE SIC कटता है वो जमा भी नहीं, और 2 साल का हमारा ओवर टाइम है वो भी हमको नहीं दिया है। तो आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? सर हम एक बार विकास भवन गए थे, वहाँ पर क्या हुआ था? हाँ हमको बोला था आप सब जने का नाम लिख के दो, हमने वो भी दिया है और वहाँ और यहाँ से गए हैं, बोले हम तो सब कुछ जमा कर रहे हैं। बोले कौन सी कंपनी है? टामरान लिमिटेड। यहाँ क्या बनता है? ग्लूकोज का बॉटल बनता है। यहाँ मैनेजर वगैरह कोई, उनका नाम कुछ है? महेंद्र पटेल है सर यहाँ का, वो प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक, आपका नाम और पद बता दीजिए। सुनीता पाटीदार। हम मजदूर लोग सभी इसी वजह से खड़े हैं यहाँ पे, हमारा 3 मंथ का पेमेंट नहीं करा इन लोगों ने, उसके बाद 8 महीने का ना तो हमारा PF जमा करा है। आज सुबह ही हमारे पास मैसेज आया कि जनवरी से लेके अगस्त तक का ना PF जमा हुआ कुछ भी नहीं, और हमें 2 साल तक का ना OT मिला है ना कुछ भी नहीं, और ना कंपनी को फैसिलिटी हमारे लिए। किस प्रकार की फैसिलिटी? अभी आपको कोरोना चल रही, महामारी चल रही, हाँ। इसमें भी कोई फैसिलिटी कंपनी नहीं दे रही। कैसी मतलब क्या? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, हाँ। कंपनी के अंदर मास्क 1 बार दिया 2 बार दिया, उसके बाद से अभी तक कोई मास्क नहीं मिले। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कंपनी में? वो तो होता है कंपनी के अंदर, लेकिन हम कर रहे हैं, कंपनी कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश चौबे। वर्करों ने शिकायत नहीं प्रस्तुत की, लेकिन हमें संज्ञान में है कि वर्कर्स को 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और 18 महीने का ओवर टाइम का भुगतान नहीं हुआ है। हमने कार्यालय निरीक्षक को भेजा है वहाँ पर जांच के लिए, और यदि जांच में स्थिति ये आती है कि निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है तो उसकी कार्रवाई हम करेंगे, और वेतन नहीं भुगतान करने के लिए, ओवर टाइम भुगतान नहीं करने के लिए शिकायत हम सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को अंतरित करेंगे, क्योंकि ओवरटाइम और वेतन भुगतान उनके कार्य क्षेत्र में आता है। आपका नाम और पद बताइए। अरविंद प्रकाश सक्सेना, श्रम पदाधिकारी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।